हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग ऑफ फूडी शुमेल। तो गाइज, आज मैं हूँ मीरा रोड में। जैसे कि आप लोगों को पता है, मीरा रोड बहुत ही फेमस है खाने पीने के लिए। यहाँ पर आपको वेज, नॉन वेज आइटम हर एक चीज मिलती है। लेकिन आज मैं एक ऐसा रेस्टोरेंट विजिट करने वाला हूँ जो कि है प्योर वेज, देख सकते हो, जिसका नाम है स्वाद भवन शुद्ध शाकाहारी होटल, जो कि हमारा पूनम सागर में लोकेटेड है। अभी यहाँ पर आ जाओ, मैं आपको पूरा रेस्टोरेंट ए टू जेड बताने वाला हूँ। यहाँ पर क्या क्या आइटम्स मिल जाते हैं, यहाँ पर क्या क्या स्पेशल आइटम्स मिल जाते हैं, और मैंने ये सुना है कि यहाँ पर ना जैन फूड भी मिलता है, प्योर जैन फूड। तो ये है हमारा स्वाद भवन प्योर वेज रेस्टोरेंट। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर अंदर जाके आपको सिटिंग एरिया में बता देता हूँ। यहाँ पर ओपन एरिया भी है और यहाँ पर एसी रूम्स भी अवेलेबल है, और यहाँ पर जो है हमारे सारे शेफ्स लोग खड़े हुए, जो कि हमारा यहाँ पर हमको बेस्ट बेस्ट खाना बना के बताएंगे। तो लेट्स सी यहाँ के क्या क्या वेज आइटम्स हमको मिल जाते खाने के लिए। अंदर चलते हैं बॉस, ट्राई करते हैं, और आपको कुछ यूनिक्स आइटम में दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या मिलता है और क्या प्राइजेस होता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अंदर चलते हैं और पूरा ए टू जेड बताता हूँ। तो गाइज, ये है इनका ओपन एरिया। यहाँ पर भी काफी अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट है। अगर आप लोग को मैं यहाँ पर दिखाऊँ ना, यहाँ पर भी आप लोग अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आके मस्त इन्जॉय कर सकते हो। ये एरिया भी है, ये एरिया भी है, ये एरिया भी है, यहाँ पर भी आप लोग बैठ के आ सकते हो, खा सकते हो। और यहाँ अगर पार्टी या बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहते हो बॉस, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए पूरा इंतजाम किया जाएगा। यहाँ पर ओपन एरिया है और अंदर इनका एसी हॉल भी। अभी वहाँ जाएंगे, मैं आपको वो बताता हूँ, और वहाँ पर ही बैठ के हम लोग आपको मेन्यू बताएंगे। मेन्यू के बाद यहाँ के कुछ स्पेशल आइटम्स ऑर्डर करेंगे और वो खाएंगे और आपको बताएंगे बस। और ये है यहाँ का ओपन किचन, जो कि अगर आप लोग यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर हमारे शेफ्स लोग हैं जो कि आइटम सारे बना के आपको खिलाएंगे। और कोई भी मतलब लाइक होता है ना, बहुत सारे होटल्स में जाओगे तो अनहाइजीनिक तरीके से बनाते हैं, यहाँ तो ओपन ही आपकी आंखों के सामने आपको दिखेगा कि आपको क्या आइटम बना के खिला रहे। अंदर बैठो, यहाँ आके बैठ के देखो कि क्या बना रहे। और ये जो एरिया अगर आप लोग देखोगे ना, तो ये है हमारा एसी रूम एरिया, जहाँ पर आप लोग को 1 2 3 4 5 6 टेबल्स मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर आपको मिक्स भी करना होगा टेबल, तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले ही आपको बुकिंग करनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग यहाँ बैठेंगे, यहाँ के मेन्यू देखेंगे, और उसके बाद मैं आपको सारे आके आइटम बता। तो अभी गाइज, हम लोग यहाँ का मेन्यू देते हैं स्वाद भवन का। यहाँ पर क्या क्या स्पेशल मिल जाता है यहाँ का, जैसे कि जैन पाव भाजी, पाव भाजी और एक्स्ट्रा पाव भाजी। पाव भाजी यहाँ की बहुत बेस्ट है, जो कि बाहर बनती है गाइज, बहुत ही यमी रहती है। फिर स्टार्टर्स मिल जाते हैं, तंदूरी स्टार्टर्स, चाट में अपना पानी पूरी, सेव पूरी, भेलपूरी, दही पूरी, सेव पूरी, पापड़ चाट, पापड़ भेल, सूखा भेल, गीला भेल, राज कचौरी, सब मिल जाएगा। उसके बाद चाइनीज मेन कोर्स मिल जाएगा, शेफ स्पेशल, बासमती बहार, दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल पालक, दाल खिचड़ी, दाल खिचड़ी तड़का, पालक खिचड़ी, ये सब आइटम्स है। आइसक्रीम्स भी अवेलेबल है, मॉकटेल्स भी अवेलेबल है, मिल्क शेक्स भी अवेलेबल है, फलूदा भी अवेलेबल है, डेजर्ट भी अवेलेबल है, पनीर के आइटम भी अवेलेबल है। और यहाँ पर और भी आइटम्स है बासमती की, इसमें आप देखो वेज बिरयानी, ये सब। चाइनीज मेन कोर्स में वेज मंचूरियन ग्रेवी, बॉल इन शेजवान ग्रिल, पनीर पर, मतलब बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है भाई। अगर मैं बताऊँ ना तुम लोग को, मतलब यहाँ पर ए टू जेड आइटम मिल जाते हैं, प्योर जैन फूड भी मिल जाएगा आपको, और नॉर्मल जो वेज फूड रहता है वो भी मिल जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ के कुछ स्टार्टर्स आइटम्स ऑर्डर करते हैं, और आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से आइटम्स यहाँ पर आके आप स्पेशली ट्राई कर सकते हो। तो लेट्स सी, मंगवाते हैं और बताता हूँ आपको। तो गाइज, अभी हम लोग ने यहाँ के स्पेशल आइटम मंगा लिए हैं, जिसके अंदर हम लोग ने स्टार्टर्स मंगाए, मेन कोर्स मंगाए, और यहाँ के फेमस डोसा। तो पहला मैं आपको दिखा देता हूँ हमने क्या मंगाया। पहला हमने जो स्टार्टर मंगाया वो है ड्रैगन रोल, फिर सेकंड हम लोग ने जो मंगाया वो है काजू कुरकुरी टिक्की, फिर उसके बाद हम लोग ने मंगाया मिक्स अमृतसरी टिक्की, पनीर, रेड पेपर, फिर कॉर्नर, यहाँ देखोगे ना ये वाला, तो ये है हमारा कॉर्न सीख कबाब। फिर उसके बाद आ जाता है मेन कोर्स में पनीर लाहौरी, फिर उसके बाद आ जाता है हरा भिंडी दो प्याजा, फिर उसके बाद आ जाता है पाव भाजी स्पेशल, जो कि फुल मक्खन मार के देते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है भाई यहाँ का राइस तवा पुलाव, जो कि यहाँ का सबसे स्पेशल है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ये टोपी डोसा भाई, जैसे कि मैं टोपी पहनता हूँ लेकिन यहाँ आज मैं टोपी डोसा खाने आया हूँ। उसके बाद यहाँ पर है हमारा मैसूरी डोसा, फिर उसके बाद हम लोग ने मंगाया यहाँ पर कॉकटेल्स, और डोसा के साथ हमने यहाँ पर सांभर मंगाया, जो चटनी जो आती है डोसा के साथ, वो हम लोग ने सब मंगाया। तो अभी एक एक करके हम लोग सब ट्राई करेंगे और आपको टेस्ट करके पूरा ए टू जेड बताएंगे। तो अभी हम लोग सारे आइटम स्टार्ट करेंगे खाना। पहले हम लोग, हमारे जो भाई आ गए वो हमको सर्व करके बताएंगे और देंगे, भाई वो दे दो मेरे को अपना स्टार्टर में क्या है, ये ड्रैगन रोल है। तो पहले हम लोग ड्रैगन रोल ट्राई करेंगे, जो कि आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 अच्छी खासी क्वांटिटी में अपने को मिल जाता है। अंदर सारे वेजीज भरे हुए भाई, करेक्ट। अच्छा टेस्ट है इसका, मस्ट। सेकंड आइटम कौन सा है भाई, काजू कुरकुरी टिक्की है क्या? इसके साथ चटनी, आप ये एक ही ग्रीन चटनी देते हो ना, तो इसके अंदर अपने को ग्रीन चटनी मिल जाएगी। उसके अंदर काजू डाला हुआ है भाई। नाम भी इसका काजू कुरकुरी टिक्की, कुरकुरा कुरकुरापन भी है इसके अंदर। इसके अंदर मैं जब बाइट लिया ना,
तो काजू के पीसेस भी बहुत आ रहे। ये क्या है भाई, अमृतसरी टिक्की? इसके बाद भी आप हरी चटनी देते हो? ये भी अमृतसरी टिक्की है। इसके अंदर ये कितने आप पीसेस आ जाते? 8 पीस? नहीं, मेरे को 10 दिख रहे भाई। 1 2 3 4, नहीं 8। उसके बाद अभी ये क्या, कबाब? या ये क्या बोलेंगे, पनीर रेड पेपर? ये कौन सा, कौन सी कबाब है, कौन कौन से बना हुआ है ये? ओके, इसके अंदर कौन है? तो ये कैसे आप बनाते हो, सीख की तरह जैसे बनाते हो उस तरीके से? और तंदूर है, तंदूर के अंदर बना हुआ, तो ये तंदूर आइटम कह सकते हैं इसको, कौन सी तंदूर? अच्छा। उसके बाद ये कह रहा पनीर। ओके, पनीर रेड पेपर। कभी कहीं सभी हम लोग पनीर राइट पेपर ट्राई करेंगे। तो फिर कोई चटनी देते हो शेजवान या कुछ ऐसा ही, या फिर डायरेक्ट नॉर्मल ऐसे ही इसी के साथ आता है? चटनी शेजवान दे रहे चटनी या हैं। पब्लिक जैसे डिमांड करती है उसके हिसाब से देते हो? रेड पेपर पनीर भी अच्छा है। एक चीज़ मैं बताऊंगा, जैसे कि मैं मोस्टली कहीं कहीं खाता हूँ ना, तो कैसा होता है कि पनीर ना बहुत कड़क हो जाता है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं, बहुत सॉफ्ट पनीर। अगर आप यहाँ पर आओगे ना, पनीर मतलब क्वालिटी वाला, जितनी सारी चीज़ें अब तक तो मैंने ट्राई की है ना, क्वालिटी वाला। और ऐसा किसी में भी मेरे को ऐसा टेस्ट नहीं लगा, जैसे कहीं कहीं क्या होता है, ऑयल की स्मेल आती है, लाइक कच्चा पक्का बनता है ऑयल की स्मेल आती है, तो यहाँ ऑयल की स्मेल ज़रा नहीं आ रही है। अब पनीर बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आप ये पनीर ट्राई करोगे ना, जैसे कहीं कहीं होता है ना, कॉर्नफ्लावर ज़्यादा डाल देते, तो उसकी वजह से ना बहुत सूख जाता है, तो मज़ा नहीं आता है टेस्ट में। अभी हम लोग रोटी के साथ ये ट्राई करेंगे। ये था पनीर लाहौरी। भाई पनीर मेरा बहुत फेवरेट आइटम है, तो लाहौरी हम लोग ट्राई करेंगे रोटी के साथ। इसके अंदर बटर भी डाला हुआ है क्या? बटर क्रीम डाला हुआ है इसके अंदर, बटर क्रीम डाला हुआ है, तो उसके वजह से टेस्ट और मतलब क्रीमी आ गया, मतलब टेस्ट अच्छा है। फिर उसके बाद ये था भिंडी, हरा भिंडी, 2 प्याजा। ये देखता है इसके अंदर कौन कौन सी है। भाई प्याज तो है इसके अंदर, और भिंडी डली हुई है क्या भाई? वेज का ना भाई, मतलब एकदम ही टेस्ट बदल दिया है। मैं मतलब जो वेज नहीं खाते, मोस्टली बहुत लोग वेज नहीं भी खाते, तो अगर उनको वेज खाना है तो वो यहाँ पर प्रिफर कर सकते हैं आने के लिए। अब यहाँ का हम लोग ट्राई करेंगे भाई स्पेशल पाव भाजी। ओह, ये सबकी जान है भाई, पाव भाजी तो हर किसी को पसंद है, जिसके अंदर बटर और पाव भी मस्त बटर में डाल के दिया है। स्पून दे दो, तो लेट्स सी ये ट्राई करता है। और इनके वहाँ एक और चीज़, बटर जो यूज़ होता है सारा A1 क्वालिटी, अमूल बटर यूज़ होता है इनके वहाँ मोस्टली। आप लोग देखोगे तो बटर जो 150 वाला जो पैकेट आता है बड़ा वाला, वो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ आपको प्योर अमूल बटर यूज़ होगा। तो यहाँ अगर आप लोग आके खाना खाओगे ना, तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई कुछ खाया आपने। बहुत टेस्टी है भाई। और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही खाना है यहाँ का। यहाँ पर कोई भी स्मेल नहीं है खाने के अंदर, ना ऑयल का ना कुछ, और एकदम हाइजीन तरीके से बनाते हैं। बाहर आपने जैसे कि देखा होगा, ये हमारा था पुलाव, तवा पुलाव। पाव भाजी के बाद लोग स्पेशली खाते हैं तवा पुलाव। वेज में देखो 3 ही 4 आइटम बहुत ही लोगों के फेवरेट होते हैं। एक तो अपना होता है पाव भाजी होता है, फिर उसके बाद पनीर आइटम। राइस में अगर मोस्टली खाते तो वेज पुलाव खाते या तवा पुलाव खाते, तो तवा पुलाव भी हम लोग ट्राई करेंगे आपका। और क्वांटिटी की बात करूँ, ये जो आपने क्वांटिटी देखी, ये आपको हर किसी को मिलेगी। अब लेट्स सी ये ट्राई करते हैं। ओके, इसके अंदर सारी तरीके की सब्जीज है, जितनी तरीके की वेजीज होती है इसके अंदर। बीन्स आपको मिल जाएंगे, शिमला मिर्च मिल जाएंगे, मतलब हर एक तरीके के वेजीज है। ये ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, अगर आप बोलोगे स्पाइसी बनाने, तो भाई स्पाइसी बना के भी देते हैं। अब तक की मेरे को जितने आइटम मैंने खाया है स्पाइसी नहीं है, क्योंकि मैं स्पाइसी खाता भी नहीं हूँ मोस्टली ज़्यादा। अगर आप स्पाइसी बोलोगे तो स्पाइसी बना के देते हैं, स्वीट बोलोगे थोड़ा स्वीटनेस रखते हो। अब ट्राई करेंगे यहाँ का मैसूरी डोसा, जिसके साथ अपने को चटनी मिली है, सांबर मिला है। ट्राई करते हैं भाई, नेक्स्ट लेवल है भाई सांबर तो। भाई
भाई चीज आपको मैं बताऊँ ना, बहुत टाइम बाद में इतना वेज आइटम खा रहा, बहुत टाइम बाद। हर जगह मैं जाता हूँ तो पनीर हो गया, सोयाबीन के वो जो चाप होते हैं वो हो गया, और कुछ मंचूरियन हो गया, ये आइटम्स खाता हूँ। आज यहाँ पर मेरे पास वेज के जितने फेवरेट आइटम्स होते हैं ना, सब लेके बैठो। और यहाँ पर जैन फूड भी अवेलेबल है भाई, जैन लोग आ रहे हो तो उनके लिए भी अवेलेबल है, हर कोई के लिए ओपन है भाई। हर कोई आओ और हर कोई खा के जाओ भाई, सब आइटम मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर चटनी में, यहाँ पर ये क्या है भाई, ये रायता है, तवा पुलाव के साथ खाने के लिए रायता, ठीक है। रायता मैं मोस्टली नहीं खाता हूँ, थोड़ा मेरे को दही से एलर्जी है भाई। तो अब मैं चटनी ट्राई करता हूँ इनकी। डोसे के खाने के लिए, उसके बाद यहाँ पर टोपी डोसा है। इसमें टोपी डोसा में भाई मसाला डोसा भी देते होंगे ना, तो ये अपने जो बनाए हैं ये सादा डोसा बनाए, तो ये तो नॉर्मल टेस्ट रहेगा। बाकी अभी जो चटनी है उसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा है भाई, तो नॉर्मल टेस्ट है, जैसे मार्केट में मिलता है वैसे ही टेस्ट है। लेकिन बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने होंगे घर पे, उनको खिलाओ डोसा, आप ये खाओ, उनको ये खिलाओ, जूसेस तो भाई ये तो भाई हमारी जान है भाई। जैसे कि आजकल रमजान भी चल रहा है तो लोगों को जूसेस पीना बहुत पसंद है, तो भाई यहाँ के ले सकते हो आप लोग। ये तो प्योर मौसमी जूस है और ये हमारा वाटरमेलन जूस है। ये सब तो चलो भाई जो नॉर्मल जो रहता है मार्केट में वैसा ही है। बाकी खाने की बात करूं, बहुत सारा आइटम है खाने के लिए। मैं एक वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको पता चले कि भाई मीरावड़ में कैसा रेस्टोरेंट है, जहाँ पर आप आके विजिट करके आप बेस्ट वेज आइटम खा सकते हो, और जैन आइटम भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा आपको। तवा पुलाव, पनीर टिक्का, रोल, मैसूरी पाव भाजी, ए टू जेड सारी चीज़ें मेरे को बेस्ट लगी है। अगर आप भी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो तो यहाँ पर आओ, अब यहाँ पर विजिट करो और यहाँ के वेज आइटम ज़रूर ट्राई करो, और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करो भाई, यहाँ पर आओ वेज आइटम खाने के लिए। एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, स्विगी जोमेटो भी अवेलेबल हो चुका है पूरे मीरा भाईंदर में। स्विगी जोमेटो के थ्रू भी आपके घर पर खाना प्रोवाइड किया जाएगा, और इनके भी डिलीवरी पार्टनर्स है बहुत सारे, उनके थ्रू भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी आज का बॉस हम लोग यहाँ पर वीडियो एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टाटा, नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।